हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। RCMS रॉक एंड क्लासिक म्यूजिक स्कूल भुवनेश्वर की तरफ से मैं आपको पहले से ही बताया था कि थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको जो बेसिक कॉर्ड्स पैटर्न होता है वो सिखाऊंगा और बाद में थ्योरी और सारे नोटेशन भी सिखाऊंगा। और अभी आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है जी ग्रुप का कॉर्ड। तो आप जी ग्रुप का कॉर्ड देख लीजिए, फिर समझ में आएगा कि जी ग्रुप में जो कॉर्ड आप बजा रहे हैं, थोड़े कॉर्ड पीछे से जो ग्रुप है सी डी एंड ई, तीन ग्रुप जो है उसमें से ही आ रहा है। सी डी ई, सी ग्रुप, डी ग्रुप एंड ई ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप एंड ई ग्रुप, तीन ग्रुप से हम चुने हुए कॉर्ड्स को लेके जी ग्रुप का कॉर्ड जो प्रोग्रेशन बना है वो देख लीजिए एक बार। पहले जी है और ई माइनर है, ये दोनों कॉर्ड आपको मिल जाएगा डी ग्रुप में, और उसके बाद सी है जो आप पहले जानते हैं सी ग्रुप में, और ए माइनर ये दूसरा कॉर्ड है। तो हमको चार कॉर्ड ऐसे ही मिल गया पुराने ग्रुप से। मैंने पहले बोला था आप सी डी को अच्छे से कीजिए, फिर आसान होगा आपको बजाने के लिए सारे चीज़ें। तो आज जो हम बता रहे हैं इसमें चार कॉर्ड हमको पुराने वाले मिल गए, जी, ई माइनर, सी, ए माइनर, ये चारों पुराने हैं। और इसमें एक नया कॉर्ड है B7 जो तीन स्ट्रिंग बजे, ठीक है, जरूरत पड़े तो चार स्ट्रिंग आप बजा सकते, डी को भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आता है B7, B7 तो ई में था, क्योंकि ऐसे ऐसा वाला कॉर्ड आप ढूंढेंगे ई ग्रुप अगर की नहीं होंगे तो आपको पता नहीं होगा B7 क्या है। तो B7 ई ग्रुप में है, उसको ढूंढ लीजिए, वो प्रैक्टिस कीजिए पहले, फिर बाद में ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने शुरू से बोल रहा हूँ, जो भी मैं शुरू से दे रहा हूँ शुरू से चलिए ना तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आज चलते हैं जी ग्रुप का कॉर्ड, जी मेजर, ई माइनर, सी मेजर, ए माइनर। D7 और B7, फिर से आपको ये सारे कॉर्ड को, कोई गाना अगर जी स्केल में शुरू होता है तो उसका शुरुआत जो है वो जी का प्रोग्रेशन को लेके चलता है। जो जी का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने बताया, जी, ई माइनर, सी, ए माइनर वगैरह, ये सब ज़्यादातर सी ग्रुप में ही चलता है और जी ग्रुप में भी चलता है, दोनों चलता है। ये क्या कॉम्बिनेशन है बाद में बताऊँगा। जी अगर कोई गाना जी में है, जी मेजर में है, तो ये कॉर्ड में से दो तीन कॉर्ड तो जरूर उस गाने में आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिस्टमेटिकल, ये एक थियोरिकल प्रैक्टिस है। आप सा अगर जानते हैं तो रे को जानना जरूरी है, इंडियन के हिसाब से सा रे गा कहाँ पे ये तो समझना जरूरी है। ये धीरे धीरे मैं आपको ये भी डिटेल्स में समझाऊंगा। तो आज मेट्रोनॉम के साथ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, एकदम स्लो मेट्रोनॉम पर सेकेंड के बीट के हिसाब से। आपको मेट्रोनॉम भी अभी धीरे धीरे सुनाई देता होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर बीट को बजाएंगे और हर बीट में एक एक स्ट्राइक करेंगे। ये 60 BPM है, मतलब पर सेकंड में घड़ी के हिसाब से चलता है।
था सारा कॉर्ड जी ग्रुप का। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, इनबॉक्स में भी आप देख लेंगे, पहले जी माइनर, सी ए माइनर, डी सेवन, डी सेवन और जी, थोड़ी सी कॉर्ड की जानकारी ये थी। इसके बाद हम ए ग्रुप का कॉर्ड और बी ग्रुप का कॉर्ड और दो ग्रुप ही बाकी रहा। आप सब लोग जानते हैं दुनिया में स्केल तो बहुत सारे होता है लेकिन नोट्स लिमिटेड है, 12 नोट ही दुनिया में होता है। 12 नोट से जो सरगम निकला जाता है, जो सरगम निकलता है उसको सात सुर बोलते हैं। हमने सी को एक सा किया, डी को रे किया, ई को गा किया, एफ को मा किया और जी को पा किया, तो यहाँ तक समझे। और ए हो जाएगा धा, बी हो जाएगा नी। तो सी का ग्रुप कॉर्ड मैंने दे दिया, डी भी दे दिया, ई भी दे दिया, एफ भी दे दिया, जी भी दे दिया। बाकी बचा आपका ए ग्रुप और बी ग्रुप, ये मैं अगले एपिसोड में ये भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारे जो कॉर्ड्स है इसको ध्यान से बजाना है और प्रैक्टिस भी करना है, तब जाके आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और इस कॉर्ड के ऊपर आप क्या कर सकते हैं मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, गाना कैसे बनता है, कैसे बजता है और कॉर्ड कैसे ऐड होता है। ये धीरे धीरे आपको पेशेंस के साथ मेरे साथ अगर रहेंगे तो मैं बता पाऊँगा। अगर फॉलो करते हैं तो शुरू से ही सारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक्सरसाइज से लेकर यहाँ तक फॉलो कीजिए ना, आपको गिटारिस्ट बनने में कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको खुल के बताता हूँ, मैं जो थ्योरी सिस्टमेटिकली पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ थोड़ी दिन रहिए सब समझ में आ जाएगा। और आपको पता नहीं यहाँ पे जो नोट्स बजते हैं ये क्या है, ये आपको धीरे धीरे मिलेगा, आपको सारी चीज़ें समझाया जाएगा और सारी चीज़ें आपको दे भी दूंगा, ये बता भी दूंगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो इसको ग्रीन बोर्ड में समझा भी दूंगा कैमरे के साथ, और ऑनलाइन में आप जहाँ कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो, मेरा ज़्यादातर ये इरादा है कि जो बच्चे सीखने के लिए अपने आप को टीचर के पास नहीं ला सकते या फिर टीचर उनके पास नहीं जा सकते या फिर वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे पहुँच नहीं पाता है सारे चीज़ें और वहाँ पे अच्छे टीचर भी नहीं है, अच्छे सिखाने वाले भी नहीं है, तो आप एक फार्मूला अडॉप्ट कीजिए, मेरे एक चैनल को ही फॉलो कीजिए, मेरा जो लर्निंग चैनल है ये इसको फॉलो कीजिए, आपको यूट्यूब में सारे चीज़ें मिल जाएगा, यूट्यूब में आप देख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू गाइज, थैंक यू।